एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। तो कल से है नवरात्रि और हमारे घर में नवरात्रि सब लोग 9 दिन रहते हैं। मीन्स पापा, मम्मी, सारे भाई बहन सब 9 दिन रहते हैं। सिर्फ अभी बाबू छोटा है तो वो नहीं रहेगा और एली नहीं रहेगी, तो बाकी तो सब लोग 9 दिन का फास्ट रहेंगे। तो कल फास्ट है तो अभी हम जा रहे थे चाय बनाने, फिर अचानक से मैगी का पैकेट दिख गया। तो मैगी का पैकेट देखा तो मन किया, पहले मन किया पास्ता बनाने का, बट पास्ता भी अवेलेबल नहीं है घर में। फिर मैगी देखी तो मन किया चलो मैगी बना लेते हैं, क्योंकि अब तो 9 दिन बाद ही मैगी मिलेगी। तो अभी जा रहे हैं चाय बनाने और मैगी बनाने। देखिए यहाँ पे चाय के लिए दूध और पानी एक साथ चढ़ा दिए। यहाँ पे दूध बॉईल हो रहा है और यहाँ पे इतनी सारी 5-5 रुपए वाली 1, 2, 3, 4 पैकेट मैगी रखा है। तो अब चलते हैं। ये है एक और ये 2 अनियन, 2 चिलीज और 1 टमाटर। तो मैगी भी छाली पैकेट 5-5 वाली, तो इतना चीज़ अभी डाल दे रहे हैं। आलू 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 टीका लगाई है, आलू पूजा की है क्या? आलू सर्कस वाली आलू, कौन टीका लगाया आलू को? देखो अभी गिरोगी तुम एली। प्याज वगैरह कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्याज मिर्चा जो चीजें भी, टमाटर जो भी चीजें मैगी में डाल दी है, फिर उसके बाद मैगी की भी तैयारी कर लेते हैं। फिर जहाँ दूध बॉईल हो जाएगा तो मैगी बना देंगे। ये रेडी हो गया टमाटर और ये प्याज, और देखिए मिर्चा भी है, मिर्चा ज़्यादा नहीं सिर्फ 2 है। और यहाँ पे चाय भी रेडी हो चुकी है, जो तो अब चाय छानते हैं और फिर सबको दे देते हैं चाय पीने के लिए, उसके बाद फिर मैगी बनाते हैं। तो ये हो चुकी है हमारी चाय रेडी, अब बस मैगी पकने का वेट हो रहा है, पक जाए फिर उसके बाद खा लेते हैं। और ये हो गई मैगी रेडी। हेलो गाइस, ये लड़का रो रहा था। क्यों रो रहे थे बताओ? जय बूम बूम, क्यों रो रहे थे तुम? क्यों रो रहे थे बता दो? क्यों रो रहे थे? अब नहीं ना रोगे? डंडा किसको? माँ को। तुम रो क्यों रहे थे ये बताओ? वीडियो देखते देखते कौन रोता है? ये जो छोटा लड़का, ये छोटा वाला लड़का जो दिख रहा है ना, ये वीडियो देखते देखते अचानक से रोने लगा था। क्यों रो रहे थे? दीदी पाथू डंडा नहीं, तुम क्यों रो रहे थे बताओ? ये हमको दे दो। अरे बाबू मेरे, अभी भी रो रहे हो क्या? अभी भी रो रहे हो? आज ये पागल की तरह अचानक से वीडियो देख रहा था और देखते देखते अपना ही वीडियो देख रहा था और देखते देखते रोने लगा। हेलो एली, जाओगी तुम भी जाओगी? एली जाओगी, जाना है हा? जाओगी, बाहर जाओगी बोलो। आराधना भी जा रही है, मम्मी को तैयार देख के एली परेशान है। तुमको नहीं तैयार होना है, ऐसे ही जाओगी? और बाबू तुम ऐसे ही जाओगी? तुम भी कहाँ जा रही है मम्मी? कहाँ जा रही है? नहीं, कहाँ? पार्लर जा रही है। तो मम्मी, बाबू की मम्मी, बाबू की नानी और बाबू की छोटी वाली माँ जा रहे हैं और बाबू भी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गुम्मी पार्लर। बाय। तुम क्या कराओगे पार्लर में? हाँ यार, बाय। अच्छा बाय करो, बाय करो जल्दी, अच्छे से करो। कैसे बाय करते हैं? हेलो गाइस, नहीं बाय गाइस। ली किसका वेट कर रही हो? किसका वेट कर रही हो? आराधना कहाँ गई है तुमको छोड़ के? कहाँ गई है बताओ? तुमको छोड़ के चली गई आराधना? एली
अब जब तक आराधना नहीं आएगी तब तक एली ऐसे ही बैठी रहेगी, वो आराधना के बिना एकदम रह ही नहीं पाती है। ऐसे तो आराधना कहीं जाती नहीं, बहुत जाती, कुछ घंटे के लिए जाती है, लेकिन जब एक दो दिन के लिए जाती है तो उसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको कोई नहीं चाहिए, लेकिन उसको आराधना हर टाइम, भले आराधना उसके पास ना रहे, दूसरे रूम में रहे, लेकिन घर में रहनी चाहिए। तो जब तक वो नहीं आएगी तब तक वो वैसे ही परेशान बैठी रहेगी। और फिलहाल तो अब हम जा रहे हैं अपना कपड़ा प्रेस करने, तो मिलते हैं फिर अपना कपड़ा प्रेस करके। अब हम लोग जा रहे हैं फुल्की एंजॉय करने। तो फुल्की इतनी नहीं है, और भी सारी है जो इस प्लास्टिक में रखी है, बहुत सारी है, क्योंकि मेरे घर में लोग भी सात आठ हैं, बट खाते तीन ही चार लोग हैं, ज़्यादा लोग खाते नहीं। तो ये देखिए पानी से कितना बढ़िया लग रहा है ना, एकदम चटपटा पानी। और ये छोला, हाँ ये छोला देखिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं फुल्की खाने। भाटू खा रहा है ना, कैसी है? ठीक, बोलो टेस्टी। तीखी है? पानी उसमें डाला भी है कि ऐसे ही तीखी है? अरे तुम तीखी फुल्की खा रहे हो, तीखा नहीं ना लग रहा है? वाह बहुत टेस्टी है ना। गिर गया। तो ये लोग आ चुकी हैं अपनी थ्रेडिंग वगैरह बनवा के। देखिए हेलो, थ्रेडिंग बन गई। देखिए पता नहीं कटा पिटा होगा, ये तो बल दिखाई देगा। नहीं कटा पिटा नहीं है, सही है। इसकी थ्रेडिंग बहुत कम बनती, दूसरी बार बनवाई हो ना? हाँ दूसरी बार बनवाई है, और हाँ चेहरा खिल गया है और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा दर्द तो होगा ही, हल्का हल्का, जब डेली बनवाओ मतलब हमेशा बनवाओगी तो नहीं दर्द होगा। मम्मी तुम थ्रेडिंग बनवाई और बाल भी कटवाई है आगे से, बस दिखाओ थोड़ा, हीरोइन बनो आप। अरे बाल गंदा है ना। अरे कोई बात नहीं, दिखाओ किधर से कटवाई हो। वाह नानी, ये क्या है? जिंगल सेट कहते हैं। ये जू लाए हो क्या घर में? जू लाए हो तुम घर में? देखो कितने एनिमल है, ढेर सारे पेड़ वेड़ सब है। तो आपको अगर आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।